SP70 डिलक्स। देखने में काफ़ी खूबसूरत बाइक है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जावेद एट JM व्लॉग्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बाइक है। आज की वीडियो में इस बाइक के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ रिवायती एक चला आ रहा है सिस्टम के 70cc की जो बाइक्स हैं वो एक कोई दूसरे से डिफरेंट नहीं होती, बस नाम का डिफरेंस होता है, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती हैं। मेरे पास होंडा का 150 बाइक है जो मैंने ओन की, तो उसकी क्योंकि इंजन कैपेसिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा है। तो कहीं आपने करीब जाना हो या जल्द कहीं ऐसे बस छोटा सा कोई काम हो तो आप छोटा सा एक बाइक निकालें और अपना जो वो काम करके आ जाएं, और उसकी एवरेज भी अच्छी हो और आपको ज़्यादा ये भी फेस ना करना पड़े, फ्यूल कंजम्पशन का जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। तो उस सिलसिले में मैंने कुछ ऐसी बाइक्स देखी। मैं चाह रहा था ऐसी बाइक हो जो कि सेल्फ स्टार्ट के साथ हो, अलॉय रिम्स हो, यानी कि लुक्स के जो लुक्स के साथ ना कुछ उसमें ऐसी बेसिक चीज़ें भी हों जो ज़रूरी हैं बाइक के। हमारे यहाँ एक रिवायती सिस्टम चल रहा है कि जी बाइक्स जो हैं वो आती हैं 70cc में होगी, 100cc या 125cc में, लेकिन वो एक ही पेस पे चल रहे हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ नाम का डिफरेंस होता है। हार्ड भी है। मैं 70cc में कोई ऐसा बाइक देखना था, तो मेरे नज़र से एक बाइक गुजरी जो कि सुपर पावर वाले जो हैं वो ऑफ़र करते हैं, जिसका नाम है SP70 डिलक्स, जो मुझे अट्रैक्ट की। एक तो इसकी लुक्स थी, दूसरा इसमें फ्यूल गेज डिजिटल मीटर जिसका था, और अलॉय रिम से वो फिर मैंने परचेज़ किया और अभी एक महीना चलाया था, तो मेरे जो छोटे भाई हैं उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने देखा। बल्कि इवन के जब आप रोड पे जाते हो तो इसकी रोड प्रेजेंस है, लोग आपसे सवाल करते हैं कि जी आपने ये बाइक कहाँ से परचेज़ किया और किस कंपनी का है, तो उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने रिसेंटली अपना एक बाइक सेल किया था, उन्होंने ये बाइक मेरे से ले लिया और उस वक्त से लेके अब तक वही यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि वो इतने अरसे से ये बाइक चला रहे हैं तो उनसे जो है मैं पूछूंगा कि इस बाइक के बारे में उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है और इसमें क्या चीज़ें प्लस थी और क्या जो है वो नेगेटिव थी। ये बाइक के ओनर हैं, अब इनसे पूछते हैं कि जी इनको बाइक कैसा लगा और इतना इनका क्या एक्सपीरियंस रहा बाइक के साथ। इनका नाम है मिस्टर सलमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, तो आप हमें बताएंगे कि ये बाइक जो है तकरीबन ऑलमोस्ट कितना अरसा हो गया आपको चलाते हुए? और ये 2021 मॉडल है और 2022 के रजिस्टर्ड है, मेरे पास इसको 2 साल होने वाले हैं। आपने ये बाइक इतना अरसा चलाया तो आपको कैसा लगा, इसके ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बाइक का? बाइक माशाल्लाह चलाने में बहुत अच्छी है, इसकी रोड ग्रिप बहुत बेहतर है, और आम आपको पता है 70 जो बाइक्स हैं उसमें अलॉय रिम नहीं है, डिजिटल मीटर नहीं है, सेल्फ स्टार्ट जो है इसमें बहुत अच्छी ऑप्शन जो है वो कंपनी ने दी है। इस बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो कितनी है और चलने में कैसा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहीं अगर आप पहाड़ी एरिया में गए हो वहाँ पर इसका चलने का एक्सपीरियंस कैसा है वो हमें ज़रा बताइएगा। जी, फ्यूल एवरेज इस बाइक की बहुत अच्छी है, मैंने विद ये सिटी के अंदर जो है मैंने चेक किया था वो 51 किलोमीटर जो है पर लीटर में दे रहा है एवरेज ये, और इस पर मैं नीलान भोतू तक गया हूँ, 2 बंदे हम लोग बैठ के गए हैं इस पर और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये बाइक लेने का जो डिसीजन आपने लिया उससे आप मुतमईन हैं कि आपको ये बाइक लेना चाहिए था या आपने गलती की? मैं 100% मुतमईन हूँ। बाइक की जो प्राइस है ये 85,000 थी जब मैंने परचेज़ किया था, लेकिन क्योंकि एक महीना पहले मैंने इसकी एक वीडियो देखी जिससे मैंने डिसीजन लिया था कि ये बाइक लेना चाहिए, तो आफ्टर 1 मंथ जब मैं गया तो डॉलर की जो रेट्स हैं उसमें फ्लक्चुएशन की वजह से ये 95 का हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझे डिस्काउंट देके इसको 92 में मुझे बाइक पड़ा और 3,000 इसकी जो रजिस्ट्रेशन थी उसके लगे, तो ऑलमोस्ट ये मुझे 95,000 में पड़ा। मैंने जब इनसे पूछा कि ये बाइक परचेज़ करने का डिसीजन आपने कैसे लिया तो इनका आंसर भी सेम था कि एक तो इसके अलॉय रिम्स हैं जो कि इसको यूनिक लुक देते हैं, और अलॉय रिम का ये फ़ायदा है कि आप इस पर ट्यूबलेस टायर यूज़ कर सकते हैं, दूसरा इसमें डिजिटल मीटर है जिसकी डिफरेंट ऑप्शन मैंने आपको बताई हैं, कि फ्यूल गेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपने देखा होगा रोड साइड पर लोग बाइक को लिटा रहे होते हैं ताकि कुछ थोड़ा सा उसमें फ्यूल जो है वो दोबारा कार्बोरेटर में जाए और वो थोड़ा सा
उनको करीब जो फ्यूल स्टेशन है वहाँ पर ले जाए। तो सबसे जो अहम चीज़ थी वो इसमें फ्यूल गेज, डिजिटल मीटर और इसके साथ इसका टाइम, और टाइम के साथ जो है वो गियर इंडिकेटर। तीसरी जो चीज़ है वो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, क्योंकि बाकी जो 70 cc है उसमें वो 9 liters ऑलमोस्ट होता है, और इसका जो है ये फ्यूल टैंक 12 liters का है जिसमें 1.5 liters इसका रिजर्व का है। फोर्थ, इसकी जो ओवरऑल लुक है, जो इसको एक यूनिक रोड पे यूनिक प्रेजेंस है, इसकी रोड प्रेजेंस होती है, वो चीज़ इन्होंने देख के बाइक जो है वो ऑन करने का डिसीजन लिया। आपको करीब से दिखाता हूँ ताकि एक तो आपको बाइक के मटेरियल का और उसका अंदाज़ा हो जाए, और बिल्ड क्वालिटी आप देख लीजिएगा, और इतना अरसा चलने के बाद अब बाइक की क्या हालत है। देखने में काफ़ी खूबसूरत बाइक है, इसको मैं ओवरऑल आपको एलॉय रिम्स की क्वालिटी आप देख लें, काफ़ी सॉलिड और अच्छी लुक आ रही है। इंजन क्वालिटी आप देख सकते हैं, इंजन बहुत ही अच्छा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 years होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जंग वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ इसमें आपको नज़र नहीं आ रही होगी। मैं आपको नीचे से भी इसका मटेरियल दिखा देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया हो जाए। थोड़ी बारिश हुई थी उसकी वजह से मिट्टी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल फ्रंट जो आप गार्ड देख सकते हैं ये प्लास्टिक है, लेकिन अभी तक इसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं आई और अच्छी हालत में है। फ्रंट जो हेडलाइट है, इसकी कॉलिंग आप देख लें, इसका मटेरियल आप देख सकते हैं करीब से, सॉलिड है, लेकिन ये क्वालिटी और बेहतर की जा सकती थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक इशू है कि ये क्रैक होने का इसमें खदशा होता है। हेडलाइट का जो इनर है उसकी जो रिफ्लेक्टिव मटेरियल है वो इतना अच्छा नहीं है, और जो इसके साथ स्टॉक बल्ब आया था वो चेंज करना पड़ा, इसमें एक LED लगाना पड़ा, और ये एक्सटर्नल LEDs लगाई ताकि एक अच्छी ब्राइट किस्म की जो है वो आपको रोड पे लाइट नज़र आए। फ्यूल टैंक इसका देख लें, अच्छा खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइन किया। सस्पेंशन आप देखें, रियर सस्पेंशन इसकी सॉफ्ट है और एडजस्टेबल है। चेन कवर इसका वो आप देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का है। ये मटेरियल जो है ये बच्चों के बैग रखने की वजह से यहाँ से कलर उतर गया, ओवरऑल इस कलर इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। साइलेंसर जो है वो होंडा का जो प्राइडर है उसकी लुक्स दे रहा है, बल्कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये होंडा का इसके ऊपर एम्बेडेड है, जो कि इन्होंने होंडा का यूज़ किया है। सिग्नल्स जो हैं इसके इंडिकेटर्स, वो इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये फ्लेक्सिबल हैं और काफ़ी ब्राइट हैं। सीट इसकी कंफर्टेबल है, ये जो चीज़ है ये घर में जो बिल्ली है उसके पंजों के निशान है, ओवरऑल ये अच्छी क्वालिटी की है। अभी तक 2 साल गुजरने के बावजूद अभी तक देखें इसमें कोई वो डिफॉर्मिटी नहीं आई, इसमें कोई मतलब ये बैठी नहीं है। राइट साइड पे हेडलाइट ऑन ऑफ, सेल्फ स्टार्ट। लेफ्ट साइड पे हाइलो बीम का, टर्न सिग्नल्स का और ऑन का बटन है। ये एक्सटर्नल जो LED आपको मैंने दिखाई है उसका बटन एक्स्ट्रा लगाया है। ये इसका डिजिटल मीटर है जो कि मैंने अभी ऑन किया, और आप देख सकते हैं इतनी ब्राइट सनलाइट में भी इसका बहुत अच्छा डिस्प्ले है। ये इसका फ्यूल गेज है, ये हाई लो बीम इंडिकेशन है, ये इसका स्पीडोमीटर है, और ये नीचे इसकी टोटल माइलेज लिखी हुई है, कब कितना जो है ये रन हो चुका है। ये इसका टाइम और ऊपर इसके गियर इंडिकेटर, ये इसके लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स का, ये आपने देख लिए करीब से। बाइक की ओवरऑल लुक भी आपने देख ली, और मेरे हिसाब से बाइक जो है वो कंफर्टेबल है और काफ़ी बेहतर है। अगर आप इसके जो फीचर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं,
बाइक को जो है अभी रोड पे टेस्ट करते हैं और इसका देखते हैं कि रोड ग्रिप कैसी है और इसकी जो ब्रेक्स हैं उसका फंक्शन चेक करते हैं। तो आइए मेरे साथ। बाइक की ओवरऑल क्वालिटी आपने देख ली जो मैंने आपको करीब से दिखा दिया, इसकी जो माइलेज है वो इन्होंने बता दी। तो देखा जाए तो आम जो हमारे 70cc बाइक्स हैं उनमें ये जो स्पेशल फीचर्स इसमें दिए गए हैं उनमें नहीं होते। प्राइस वाइज ये थोड़ा सा ज़्यादा है, वो जिसकी वजह इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, क्योंकि आप दूसरे बाइक्स ले लें अगर उसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा तो ऑलमोस्ट 30-40,000 का उसमें डिफरेंस होता है। तो उस हिसाब से देख लें तो ये काफ़ी अच्छा बाइक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सकें। मेरी तरफ़ से और मिस्टर सलमान की तरफ से खुदा हाफिज़।